गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेस्टीज परिवार की तरफ से मैं नरेंद्र सिंह आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट में हमारे पास जो अवेलेबल एक रेंज है, जो मल्टी विटामिन कैप्सूल जिसका टेलीविजन पर हम काफी एड देखते हैं, एक ये है, एक ये है और एक हमारे पास नए सादा नमक है। तो हम ये देखने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि हमारे पास में जो मिनरल्स, जो विटामिन हमें चाहिए होते हैं, वो कौन से प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा है। सो इसका हम टेस्ट करेंगे, क्वालिटी टेस्ट, जिसके लिए हमारे लिए जरूरत पड़ेगी एक बिजली के बल्ब की, जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एक, देखिए ये दो तार हैं, ये इसी से कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसको लगाने से ये बल्ब जो है जल रहा है। सो मैं इसी को लगा लगा के आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर मिला लेता हूँ और इतना ही पानी लगभग इसके अंदर मिला लेता हूं मैं, और इतना ही पानी मैं इसके अंदर मिला लेता हूं, ठीक है। सो लगभग लगभग बराबर पानी इसके अंदर हो चुका है, थोड़ा ज्यादा है मैंने कम कर दिया है इससे। सो लगभग ये बराबर पानी है इन सबके अंदर। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ इसमें से चार जो कैप्सूल्स हैं वो मैं इसके अंदर मिला देता हूँ, इस एक पानी के अंदर मैंने एक कैप्सूल इसके अंदर डाल दिया है। मैं दूसरा कैप्सूल इसमें डाल रहा हूँ। दो कैप्सूल हो चुके हैं। स्पारुलिना का जो वेस्टीज का स्पारुलिना जो प्रोडक्ट है उसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ इसके अंदर। सो ये तीन कैप्सूल हो चुके हैं और ये मैं चार कैप्सूल इसके अंदर डाल रहा हूँ। और अब मैं चार कैप्सूल ही इसमें से इसकी जो ये जो एक्स ब्रांड है मार्केट का, जिसको आप टेलीविजन पर देखते हैं, इसमें से ही मैं चार साइड टैबलेट से कैप्सूल क्या निकलेगा मेरे को नहीं पता, तो मैं चार इसमें से डाल देता हूं और ये डिसॉल्व होने देते हैं इसके लिए थोड़ा पानी के हल्के लेंगे। तो चार ये हो गई है और चार ही कैप्सूल ये हो गए हैं मेरे पास से दोस्तों। सो अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर से नमक ले लेता हूँ इस बाउल से, और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि नमक के अंदर से भी क्या कुछ मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं इसके अंदर, क्या वो हमारे स्पारुलिना के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, या इस ये जो मार्केट का जो प्रोडक्ट है, सॉरी इसे नहीं छूता हूँ इसके अंदर, ये जो गिर गई है इसको बाहर निकाल देता हूँ, थोड़ा सा इसमें चला गया लग के कोई बात नहीं, इसे मिक्स कर देता हूँ दोस्तों में। आप देख रहे हैं कि मैंने स्पारुलिना को इसके अंदर मिक्स कर दिया है, एक बार और मिक्स करूंगा। ये मल्टी विटामिन जो है, जो मार्केट में जिसका एड आप टेलीविजन पर बहुत देखते हैं, ये वो है। ये डिसॉल्व होने में टाइम लगा रहा है, काफी टाइम लगेगा इसके अंदर डिसॉल्व होने में। और एक ये वाली जो बॉल है, सॉरी ग्लास है, जिसके अंदर मैंने नमक को मिक्स किया हुआ है। अब हम ये देखेंगे दोस्तों, पहली चीज तो ये कि वो चीज़ डिसॉल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। जैसा कि हमने देखा, नमक तुरंत डिसॉल्व हो गया, स्पारुलिना डिसॉल्व हो गया हमारा, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है। इतनी देर से मैं इसको डिसॉल्व कर रहा हूँ, ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। सो जैसे ही ये डिसॉल्व होता है, मैं आपको इसके साथ में एक डेमो करके दिखाऊंगा। अभी के अभी तो ये बिल्कुल दोस्तों, मैंने इस प्रोडक्ट के लिए काफी देर तक घोलने की कोशिश की, वीडियो को मैंने थोड़ी देर के लिए बीच में रोका, और ये तो चारों के चारों जो कैप्सूल्स हैं वो आप देख सकते हैं, दो ये रहे और इसके अंदर और भी कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। ये चारों के चारों आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर चारों के चारों ये जो टैबलेट्स थी वो डिसॉल्व हो चुकी हैं, लगभग लगभग डिसॉल्व हो चुकी हैं। सो अब बहुत लंबा टाइम खिंचता जा रहा है, मैं अब इस वीडियो को आपको फाइनल रिजल्ट इसका दिखाना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो का जो रिजल्ट है, कॉन्क्लूजन, वो क्या है दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे लगता है पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई है, लगभग बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रही है ये, फिर डिसॉल्व हो गई है पूरी तरह से। इसको भी इस चम्मच को बाहर निकाल लेता हूं मैं और इसको इधर रख देता हूं मैं।
और एक ये है जिसमें हमने स्पारुलिना को हमने मिक्स किया हुआ था, स्पारुलिना वाली चम्मच इधर रख देता हूँ। और एक ये है जिसमें हमने नमक को मिक्स किया था दोस्तों, ठीक है। सो अब तीनों का रिजल्ट अब हम देखेंगे एक साथ ही, तीनों का रिजल्ट क्या है। एक में स्पारुलिना है, एक में रिवाइटल है जो आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, और एक में ये नमक है जो मार्केट का एक लीडिंग ब्रांड है जिसे हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो फाइनल। देखिए दोस्तों बल्ब जल रहा है, मैं इसको लिटा के दिखा देता हूँ आपको कि ये इसका फोकस कितना आ रहा है, जिससे कि आपको पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा कि बल्ब कितना जल रहा है। ये देखिए आपने देखा कि बल्ब जो है जल रहा है दोस्तों, ठीक है। सो बल्ब यहाँ पे हमने देखा कि बल्ब जल रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, एक बार और देखेंगे इसके लिए हम, ठीक है। एक बार और देखेंगे, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ब्राइटनेस कम करी है तो आपको और क्लियर नजर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ब्राइटनेस सेम है और अब मैं इसको इसके साथ में करके दिखा रहा हूँ आपको, जिसके कि अंदर मैंने नमक मिलाया हुआ था। परफेक्ट, पूरी तरह से ये जल रहा है बल्ब, देख रहे हैं आप, ये बल्ब पूरी तरह से जल रहा है, ठीक है। और अब मैं इसके साथ देखूंगा प्रोडक्ट के साथ में डेमो करके कि ये प्रोडक्ट जो है हमने वेस्टीज का स्पारुलिना जो यूज किया था इसके साथ में कैसा चल रहा है। एकदम परफेक्ट दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से फुल फोकस है। और इसके अंदर जिसके अंदर कि मैंने 44 रुपए का प्रोडक्ट इसके अंदर इस्तेमाल किया था, 4 कैप्सूल लगाए थे, पर कैप्सूल की कॉस्ट जो है वो 11 रुपए की थी, और यहाँ मैंने 3 रुपए कुछ पैसे का कैप्सूल है जो अगर आप इसे परचेज करते हैं तो आपको ये 3 रुपए से भी कम का पड़ता है दोस्तों। सो इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि ये समुद्री एक एल्गी से तैयार किया जाता है, और जबकि ये वाला जो प्रोडक्ट है जो आप यूज कर रहे, जो आप नॉर्मली आप यूज करते ही हैं, आपने उसका रिजल्ट भी देख लिया कि उसका रिजल्ट क्या है। अगर आप अपनी धमनियों में जो एनर्जी का संचार अच्छे से रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इस प्रोडक्ट को पास करता हूं और मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है। इसके बारे में जो फैसला आपने लेना है वो आप अपने तरीके से लें, और अगर आप इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर लेके भी आप मुझसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो के लिए इतना समय दिया। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।